नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी, तो चलिए जानते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHESC ने निकाली रिक्तियां। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHESC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिलाकर 2000 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और NET, SAT, SLET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 26 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट httpsiteuphesc.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। रामायण सर्किट से जुड़ेंगे बिहार के ये तीन शहर। जल्द ही बिहार में धार्मिक पर्यटन की दिशा में कई सारी योजनाएं धरातल पर देखने को मिलेगी। पर्यावरण मंत्री नारायण प्रसाद ने इस संबंध में इन योजनाओं की जानकारी दी। इसके तहत रामायण सर्किट में सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा जिलों को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी कि रामायण सर्किट से ये तीन शहर जोड़े जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री ने ये भी बताया कि राज्य में जैन, बौद्ध, कांवरिया, गांधी व रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों में पर्यटन सुविधा बढ़ाई जाएंगी। योजना के अनुसार गांधी सर्किट से जुड़े भीतीहिडवा में थीम पार्क व मल्टी हॉल का निर्माण होना है। इसके साथ ही जैन सर्किट के अंतर्गत नालंदा, जमुई, आरा और वैशाली में पर्यटकों की सुविधा के लिए कार्य किए जाने हैं। वहीं बौद्ध सर्किट में विदेशी पर्यटकों की रुचि को देखते हुए जहानाबाद, नालंदा, राजगीर, वैशाली में योजनाओं पर जल्द से जल्द काम हो रहा है। बजट सत्र का पहला दिन रहा हंगामेदार। बीते दिन बजट सत्र का पहला दिन था जिसकी शुरुआत राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ हुई, जहां उन्होंने सरकार के काम करने के तरीके की तारीफ की और साथ ही उन्होंने बिहार के हर चुनौती से निकलने का आश्वासन भी दिया। वहीं सत्र के पहले दिन बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। जानकारों की माने तो वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस आर्थिक सर्वेक्षण को सदन पटल पर रखा। इसके बाद विधानसभा में शोक प्रकाश हुआ और नेताओं के निधन पर सदन में शोक जताया गया। राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाई गई है। वहीं पहले दिन विपक्ष ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर खूब हंगामा किया। बांका की मशरूम लेडी विनीता को मिलेगा इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड। मशरूम की खेती को एक नया आयाम देने वाली बांका जिले की रहने वाली विनीता को उनकी खेती के लिए सम्मानित किया जाएगा। विनीता कुमारी को IARI इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा दिया जाना है। आपको बता दें कि संस्थान ने विनीता को कृषि और किसान विकास के कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए चुना है। मशरूम लेडी विनीता को 25 से 27 फरवरी के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पूसा कृषि विज्ञान मेला के अंतिम पुरस्कृत किया जाएगा। राजधानी पटना के इस दफ्तर में कर्मियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आना होगा ऑफिस। राजधानी में इन दिनों बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए पटना में स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑफिस के सभी कर्मियों को अब इलेक्ट्रिक वाहन से ही ऑफिस आना होगा। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, नियम सख्ती से लागू हो सके इसके लिए बोर्ड के अध्यक्ष ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लेने के लिए एक टीम को भी लगा दिया है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र स्थित दफ्तर में सोलर पैनल के जरिए रोशनी फैलाई जाएगी, इसके लिए भी काम शुरू हो गया। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूर्णिया, भागलपुर और गया में भी रीजनल कार्यालय खोलने की बात कही है। वहीं अगले 2 महीने में राज्य के 33 छोटे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण मापक यंत्र भी लगाए जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सबा करीम की। 14 नवंबर 1967 को बिहार के पटना में जन्मे सैयद सबा करीम भारत की तरफ से खेलने वाले एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे। इन्होंने साल 1997-2000 के बीच भारत की तरफ से एक टेस्ट और 34 ODI मैच खेले। करीम ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत बिहार की तरफ से महज 15 साल की उम्र में ही कर दिया था। 1990-91 रणजी ट्रॉफी में सबा करीम ने अपने करियर का बेस्ट स्कोर बनाया। ओडिशा के खिलाफ उन्होंने 234 रनों की अद्भुत पारी खेली, जिसमें सितंबर 2012 में सबा करीम को ईस्ट जोन के लिए नेशनल सेलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद जनवरी 2018 में सबा करीम को BCCI द्वारा क्रिकेट ऑपरेशन के जनरल मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया गया। बिहार की सब्जी अब पहुंचेगी दूसरे राज्यों की थाली में। बिहार के किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियां अब देश के अन्य राज्यों में ही पहुंचेगी। वेस्टफेड बिहार के नेतृत्व में पटना सब्जी संघ और तिरहुत सब्जी संघ ने विख्यात ब्रांड मदर डेयरी के SAFL को सब्जी की आपूर्ति करने की शुरुआत की है। इसके तहत सबसे पहले पटना सब्जी संघ ने 15 टन टमाटर झारखंड को भेजा है। यह टमाटर रांची स्थित SAFL के प्लांट में सॉस और केचप बनाने के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही तिरहुत सब्जी संघ के द्वारा अलग अलग तरह की 15.5 टन सब्जियों को दिल्ली भेजा गया।
गया। दिल्ली में इन सब्जियों को SAFL की आउटलेट पर बेचा जाएगा। सहकारिता विभाग का कहना है कि इस पहल से किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सकेगा और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को बाजार मिल सकेगा। बजट सत्र के पहले दिन विधायकों के दिखे अनोखे रूप। बीते दिन बिहार विधानसभा का बजट सत्र का शुभारंभ हुआ था। इस दौरान काफी मजेदार चीजें भी देखने को मिली। दरअसल सत्र के पहले दिन शामिल होने के लिए आए विपक्षी दलों के विधायक काफी ही रोचक अंदाज में विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान राजपाकड़ की कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी हाथ में मिट्टी का चूल्हा लेकर परिसर में पहुंच गई थी, तो वहीं कदवा से कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान जलावन लेकर पहुंचे थे। राजद के समस्तीपुर से विधायक अख्तारुल इस्लाम शाहीन साइकिल से सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे, तो वहीं भाकपा माले के विधायक बैनर पोस्टर लेकर कृषि बिल का विरोध करते देखे गए। दरअसल इस दौरान सभी विपक्षी दलों के नेता केंद्र सरकार और राज्य की सरकार को महंगाई के साथ साथ विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर घेरने का काम कर रही थी। बीजेपी ने नीतीश कुमार को सौंपी आयोग व बोर्ड निगम की मनोनयन की सूची। बिहार में आयोग और बोर्ड निगम में मनोनीत किए जाने वाले अध्यक्ष व सदस्यों के नाम का ऐलान कभी भी हो सकता है। भाजपा ने इसके लिए पार्टी नेताओं के नामों की लिस्ट सीएम नीतीश कुमार को सौंप दी है। आपको बता दें कि फिलहाल महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के पद खाली है। इसके अलावे विभिन्न बोर्ड और निगम में काफी लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं। जल्द ही राज्य आयोग बोर्ड और निगम में नए अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। मैट्रिक परीक्षा के सोशल साइंस पेपर लीक का मामला विधानसभा में उठा। बीते दिन बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में सत्रांत के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में मैट्रिक परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा दिया। तेजस्वी ने इस दौरान अपनी सीट पर खड़े होकर मैट्रिक परीक्षा में सोशल साइंस का पेपर लीक होने का मामला उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आखिर बिहार में हर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हो रहा है, इस पर सरकार संज्ञान ले और कार्रवाई करे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अक्सर ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहते हैं और सरकार को घेरते रहते हैं। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि मैट्रिक की सोशल साइंस का पेपर सही में लीक हुआ है या नहीं। सीनियर महिला क्रिकेट ट्रॉफी के लिए बिहार की महिला क्रिकेट टीम का हुआ चयन। BCCI द्वारा आयोजित होने वाली सीनियर महिला क्रिकेट ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला टीम की घोषणा कर दी गई है। इस बार टीम में रचना कुमारी को कप्तान और सना अली को उप कप्तान बनाया गया है। इस टीम में सिलेक्शन के लिए बिहार क्रिकेट संघ ने बीते दिनों पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 150 खिलाड़ियों का ट्रायल लिया था, जिसके बाद इस ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का नाम शॉर्ट लिस्ट करके कैंप लगाकर प्रैक्टिस मैच कराया गया था, जिसके बाद ही टीम का फाइनल चयन किया गया। ट्रायल में BCA से रजिस्टर्ड सभी जिला संघों के खिलाड़ियों का ही चयन ट्रायल किया गया। आपको बता दें कि खिलाड़ियों की लिस्ट BCA ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण संबंधी सर्टिफिकेट करना होगा अपलोड। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियोजन इकाइयों खासकर की पंचायतों से शिक्षकों के फोल्डर गायब रहने के कारण अब एक नया नियम बनाया है। इसके अनुसार एक नया वेब पोर्टल बनाया गया है, जिसमें शिक्षकों को ही अपने प्रशिक्षण संबंधी सभी दस्तावेजों को अपलोड कराना होगा। इस दौरान तकनीकी परेशानी से बचने के लिए दो वेबसाइट को तैयार किया गया है। ट्रायल होने के बाद एक सप्ताह के अंदर ही इन वेबसाइटों को लॉन्च कर सर्टिफिकेट अपलोड कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत राज्य के 3.37 लाख नियोजित शिक्षकों को अपने फोल्डर अपलोड करवाने होंगे। आपको बता दें कि 1.03 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनके सर्टिफिकेट अब तक निगरानी विभाग को जांच में नहीं मिल सके हैं। ऐसे में इनकी जांच भी हो सकेगी और फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों पर कार्रवाई करना भी आसान होगा। आवासीय प्रमाण पत्र पर फोटो को कर दिया गया अनिवार्य। बिहार में अब आवासीय प्रमाण पत्र में संबंधित व्यक्ति का फोटो भी नजर आएगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति का आवासीय प्रमाण पत्र बगैर फोटो के नहीं बनेगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति का पूरा नाम और पिन कोड के साथ पता भी दर्ज होगा। इसके अलावा अब आवासीय प्रमाण पत्र आधार के पंजीकरण और पता सत्यापन के लिए साक्ष्य के तौर पर भी उपयोग में लाया जा सकेगा। अब यह नियम सभी के लिए लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि फोटो युक्त आवास प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरकर कोई भी व्यक्ति RTPS काउंटर पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने भी आवासीय प्रमाण पत्र को एक दस्तावेज के तौर पर शामिल किया है। गर्मी से पहले ही चमकी बुखार के केस सामने आए। हर साल गर्मियों के दौरान मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में सैकड़ों बच्चों को अपना शिकार बनाने वाला चमकी बुखार ने गर्मी से पहले ही अपनी दस्तक दे दी है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के SKMCH में पिछले 9 दिनों से भर्ती एक बच्चे में चमकी बुखार यानी कि AES की पुष्टि की गई है। फिलहाल डॉक्टर की यूनिट में बच्चे का इलाज चल रहा है और बच्चे की हालत में कुछ सुधार बताया जा रहा है। बच्चे के शरीर में सूजन की शिकायत है। इधर चमकी बुखार का पहला मरीज मिलने के साथ ही SKMCH प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और अधीक्षक ने शिशु विभाग के डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाई। साथ ही इस संबंध में अलर्ट जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र भी लिखकर संसाधनों की पूर्ति की मांग की गई है।
लालू यादव की जमानत याचिका पर पूरी हुई सुनवाई। बीते दिन झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका और जेल उल्लंघन मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसके तहत लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज करते हुए लालू यादव की सजा अवधि को आगे 2 महीने और के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद लालू यादव के प्रशंसकों को करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी अवधि पूरी होने की बात कही थी, जिसके बाद से ही लगातार सीबीआई इस मामले का विरोध करती नजर आ रही थी और यही कारण है कि लालू यादव की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआई ने सजा की अवधि अभी 2 महीने और 7 दिन बचे रहने की बात कही थी, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी हामी भर दी है, जिसके बाद अब लालू यादव अगले 2 महीने और जेल में ही रहने वाले हैं। बिहार बीजेपी के 27 नेताओं को मिली विशेष जिम्मेदारी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी के 27 नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभागों के लिए नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत इन नेताओं को अलग अलग विभागों का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। लिस्ट के अनुसार विधायक कृष्ण कुमार मंटू को केंद्रीय और राज्य शासकीय कार्यकर्ता समन्वय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विधायक कुंदन कुमार को मीडिया विभाग का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। सचिदानंद पीयूष को स्वच्छता अभियान, प्रभाकर मिश्रा को नमामि गंगे, श्रीमती रीता सिन्हा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संयोजक बनाया गया है। वहीं विभाग के सभी नए प्रदेश संयोजक की लिस्ट को भी जारी कर दिया गया है और काम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नीतीश कुमार लगाएंगे इस दिन जनता दरबार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही जनता दरबार की शुरुआत करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना के माहौल को ध्यान में रखते हुए आम लोगों के टीकाकरण की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद टीकाकरण की शुरुआत होते ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अप्रैल और मई में कभी भी जनता दरबार की शुरुआत कर सकते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही अहम जानकारी दी है, जिसके तहत बीते दिन बजट सत्र के शुरुआत होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान यह साफ कहा है कि आम लोगों का टीकाकरण की शुरुआत करने का हम इंतजार कर रहे हैं। राजधानी पटना के बाद समृद्ध जिलों की लिस्ट में शामिल हुए ये 2 नए जिले। बीते दिन बजट सत्र के दौरान पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य और विभिन्न जिलों की प्रति व्यक्ति आय को लेकर कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसके अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय 31,287 रुपये है, जबकि सिर्फ पटना जिले की बात की जाए तो पटना की प्रति व्यक्ति आय 1,12,604 रुपये है। राजधानी पटना तो राजधानी होने के नाते समृद्ध है ही, लेकिन इस लिस्ट में 2 नए जिले भी शामिल हो गए हैं, जिसमें बेगूसराय और मुंगेर जिला का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक बेगूसराय में प्रति व्यक्ति आय 45,540 रुपये बताई गई है, जबकि मुंगेर की प्रति व्यक्ति आय 37,385 रुपये बताई गई है। आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के अनुसार की गई 38 जिलों की रैंकिंग में बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले क्रमशः पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। बिहार के सभी जिलों को पर्यटन मानचित्र से जोड़ा जाएगा। बिहार के नए पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इस संबंध में एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि विभाग विशेष रूप से गया, राजगीर और बिहार शरीफ पर फोकस कर रहा है, जहां पर कई नई सुविधाएं बनकर भी तैयार हो चुकी है, जो कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लगभग सभी जिलों को पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। इस दौरान रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट और गांधी सर्किट जुड़े सभी जिलों में तमाम सुविधाएं जारी की जाएंगी। पर्यटकों के लिए इन जगहों पर जाने के लिए कई गाड़ियां भी चलाई जाएंगी। इस क्रम में बोधगया, राजगीर, पटना, नालंदा, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी इत्यादि जिलों में विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्म दिवस को विकास दिवस के रूप में मनाएगी जदयू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को जदयू विकास दिवस के रूप में मनाने की योजना पर काम कर रही है। इसकी घोषणा पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि इस दिन पार्टी के कार्यकर्ता शहर, कस्बे और गांव के एक एक मतदान केंद्र पर जुटेंगे और नीतीश कुमार के दीर्घायु की कामना करेंगे। अब बिहार के शमशान और कब्रिस्तान स्थलों की होगी घेराबंदी। बिहार में अब शमशान और कब्रिस्तान स्थलों को घेरने की तैयारी हो रही है। भूमि राजस्व मंत्री ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में अब जल्द ही सभी शमशान की जमीनों की घेराबंदी की जाएगी और चिन्हित करने का काम किया जाएगा, जिसके बाद ही उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। विभागीय बैठक की समीक्षा के दौरान पता चला है कि कई जगह पर शमशान की भूमि पर अतिक्रमण है। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने विभागीय अधिकारियों को इसको लेकर आदेश दे दिया है कि शमशान की भूमि हो या फिर कब्रिस्तान की भूमि हो या फिर सड़क की भूमि हो, उस पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। 1950 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और राष्ट्रवादी नेता शरद चंद्र बोस ने दुनिया को अलविदा कहा था। नासा द्वारा 1965 में प्रक्षेपित रेंजर 8 चांद पर आज ही के दिन उतरा था। फोटो और जरूरी डाटा भी भेजे थे। मुंबई के KEM अस्पताल में 1968 में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण आज ही के दिन किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कन्हार नदी जल पर 1982 में आज ही के दिन समझौता हुआ था। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में भारत के 23वें और 24वें राज्य बने। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा आज ही के दिन की थी। भारतीय अभिनेत्री जिया खान का 1988 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारतीय अभिनेता अनु कपूर का 1956 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। आज ही के दिन को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। टीके का दूसरा डोज लेने में बिहार पहुंचा चौथे स्थान पर। टीकाकरण के मामले में बिहार ने नया कीर्तिमान रच दिया है, जिसके तहत टीके का दूसरा डोज लेने में बिहार देश भर में अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि अभी दूसरा डोज लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की रफ्तार थोड़ी धीमी आंकी गई है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक 32,569 लोगों ने टीके ले लिए हैं, जबकि 61,925 डोज के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर है, तेलंगाना दूसरा और आंध्र प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है। लोजपा नेता ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। बीते दिन लोजपा के कई नेता के जदयू में शामिल होने के वाकया के बाद अब लोजपा नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर एक पत्र जारी किया है, जिसके तहत लोजपा नेता राजू तिवारी ने लिखा है कि लोजपा से जदयू में शामिल हुए नेताओं के नाम में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निवेदन है कि लोगों की सूची में किए गए फर्जीवाड़े की जांच करवाए। लोजपा का आरोप है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के द्वारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मुहिम से गद्दारी कर जेडीयू में आए लोजपा के 208 साथियों की सूची सार्वजनिक की गई है, उसमें 200 से ज्यादा को लोजपा नहीं जानती है। अब बगैर डाउनलोडिंग के ही भेज सकेंगे ऐप्स। गूगल एक साल से भी ज्यादा समय के नियर बाय शेयर फीचर को लेकर काम कर रहा था। इस फीचर के माध्यम से कॉन्टैक्ट और फाइल्स आदि पास में मौजूद एंड्रॉयड डिवाइस के साथ अब शेयर कर सकेंगे। गूगल प्ले स्टोर को अब नियर बाय शेयर का सपोर्ट भी मिल रहा है और यही कारण है कि यूजर प्ले स्टोर के जरिए भी एप्स को अपडेट्स को दूसरे डिवाइस पर आसानी से शेयर कर सकते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आपके फोन में गूगल प्ले स्टोर का वर्जन 2.4.0 या फिर उससे लेटेस्ट वर्जन हो। इसके बाद गूगल प्ले स्टोर ओपन करें, टॉप कॉर्नर में मौजूद तीन लाइन वाले मेन्यू बटन पर टैप करें और फिर माय एप्स एंड गेम्स ऑप्शंस पर जाएं। यहां आपको कई टैब्स दिखेंगे, जिसमें से शेयर टैब पर जाना होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम मांझी, शहबाज आलम, गौतम पंडित, रंजीत मेहता, रानी कुमारी, सोनू सम्राज ऑफिशियल, मुकेश कुमार पासवान, पवन कुमार, श्वेता राय प्रदीप। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब यूं ही देते रहें, हम कल आपका नाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।